वेलकम टू पॉल्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही मछली। ये है एक स्पेशल बंगाली डिश, आप लोग भी घर में ज़रूर इसको ट्राई करके देखिए, अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैंने पीस ले ली हूँ 6 पीस। ये रुई मछली है और आप इसको दूसरा मछली से भी पका सकते हैं। मेरे पास रुई मछली था तो मैं इसी से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। दही ली हूँ 4 टेबल स्पून। यहाँ पर प्याज, अदरक और हरा मिर्चा को मैं पीस ली हूँ। और इधर जीरा गुड़ा, गरम मसाला पाउडर और हरा मिर्चा को मैं ऐसे काट ली हूँ, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा चीनी, और चीनी चाहिए। और तड़का लगाने के लिए तेज पत्ता, सूखा मिर्चा और गरम मसाला। और ये रेसिपी मैं रिफाइंड ऑयल में पकाऊंगी। आप इसको सरसों का तेल में भी पका सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए पहले फटाफट ये फिश को पहले थोड़ा सा हल्दी और नमक से मैरिनेट करके रख देते हैं। ये मैं नमक डाल रही हूँ और हल्दी ज़्यादा मत दीजिए, थोड़ा सा हल्दी दे के इसको अच्छा से ऐसे लगा लीजिए दोनों तरफ मछली का। इसको 15 मिनट तक आप लोग ढक कर रख दीजिए। थोड़ा सा इसके अंदर, मछली के अंदर नमक चला जाएगा, तब इसको हम लोग फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुका है। अभी मैं कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ले ली हूँ और रिफाइंड ऑयल पूरा गर्म हो चुका है, धुआं उठ रहा है। और ठंडा तेल में, थोड़ा सा भी ठंडा होगा तेल तो मछली मत डालिए, वो कढ़ाई में स्टिक कर जाएगा। ये जब तक नहीं धुआं उठेगा तेल में, तभी आप लोग मछली इसमें डालिए। फ्लेम का, गैस का फ्लेम फुल फ्लेम रहेगा और तभी हम लोग इसमें मछली को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स 3-4 मिनट बाद एक तरफ जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए, तो इसको धीरे से ऐसे सारे मछली को मैं पलट दूंगी। बहुत ज़्यादा कड़ा फ्राई नहीं करना है, खाली ऐसे ही थोड़ा सा एक तरफ हो जाए तो दूसरे तरफ मैं ऐसे पलट दूंगी। इसी तरह से सारे मछली को मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स सारे मछली को मैंने ऐसे फ्राई कर ली हूँ। अभी तेल, उसी तेल में मैं तेज पत्ता, सूखा मिर्च और गरम मसाला खड़ा जो था उसको तड़का लगा रही हूँ। थोड़ा सा ये तड़का जब चटके, तब हम लोग इसमें जो पेस्ट करके रखे थे प्याज, लहसुन, अदरक और हरा मिर्च उसको डाल देंगे। ये मसाला जब अच्छा से भून जाए, थोड़ा 3-4 मिनट के लिए मसाला को फ्राई करेंगे, उसके बाद बाकी का मसाला डालेंगे। यहाँ पे जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर का मैं एक पेस्ट बना ली हूँ। और 3-4 मिनट बाद मैं ये पेस्ट ये मसाले में डाल दूँगी और इसको फिर हमको तब तक चलाना है जब तक इससे मसाला तेल ना छोड़ दे, तब तक इसको हम लोग मसाले को रोस्ट करेंगे। मसाला अभी तेल छोड़ने लगा है। अभी हम लोग दही में थोड़ा सा नमक और 1 टेबल स्पून चीनी मिलाकर इसको अच्छा से फेंट लेंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। और लो करके ये दही मसाले में डाल देंगे। दही को मसालों में हम लोग मिला लिया है, अभी पूरा दही मिल चुका है। अभी इसमें पानी डाल देंगे और इसको अच्छा से मिलाकर गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और जितना मछली हम लोग फ्राई करके रखे थे इसको इसमें डाल देंगे और उबाल आने देंगे थोड़ा सा। आपको ग्रेवी जैसा चाहिए वैसा आप लोग ग्रेवी रखिए। और अभी इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए अपने स्वाद के अनुसार। फिर इसको थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट के लिए ढक देंगे। मेरा दही मछली बनके रेडी हो गया है। अभी इसमें मैं जो हरा मिर्चा काट के रखी थी उसको स्प्रेड कर दूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर
और लास्ट में 1 टेबल स्पून घी। अगर आप लोग घी नहीं खाते हैं तो इसमें घी के बदले में बटर भी यूज़ करते हैं कर सकते हैं। ये हो गया मेरा रेडी, अब इसको प्लेटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा दही मछली बनके रेडी हो गया है। आप लोग इसको प्लेन चावल के साथ, जीरा राइस के साथ या फिर पुलाव के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये रेसिपी आप लोग घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसा लग रहा है आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये डिश आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।